आखिरकार मनीषा रानी जो मंगलसूत्र लेके आई थी, मनीषा रानी को वो मंगलसूत्र पहना दिया गया है। अब मनीषा ने जो है एल्विश को एक मंगलसूत्र पहना दिया था, पर मनीषा बोलती कि अभी तू मेरा पति बन चुका है, पर एल्विश का कहना ये है कि मैं अगर तुझे मंगलसूत्र पहनाऊं तो हम पति पत्नी बनते, तू मुझे पहनाएगी तो पति पत्नी नहीं बनते। जहां पर मनीषा ने बोला ऐसा क्या है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पहनाए तो पति पत्नी बन ही जाते हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है मनीषा रानी काफी ज्यादा नाराज हो चुकी है और एल्विश जो है उनके पास उसको मनाने के लिए आती है और बोलती है कि बिग बॉस हमें तो यहाँ पे कोई प्यार ही नहीं करता है, बिग बॉस आप ही हमसे शादी कर लीजिए, बिग बॉस ऐसा करके जो है अपने अड्डे पे बैठी होती है अकेली, क्योंकि फुकरा इंसान जिया के साथ बिजी है। पर एल्विश जो है मनीषा को छोड़ नहीं रहे, पीछे पीछे आ जाते हैं और आने के बाद जो है बोलते हैं कि तू मान क्यों नहीं रही, चल रही, इतना सारा ड्रामा है तेरा, इतनी सारी एक्टिंग तूने सीखी कहाँ से, ये क्या वो क्या। एक स्टैचू है टेबल के ऊपर पड़ा है जिससे एक्चुअली मैं किस भी करवा रही थी एक बार एल्विश को, तो उसी स्टैचू के ऊपर अपना फोटो जो है, अपना जो फ्रेम रखा हुआ जो एल्विश को रात को देने आई थी वीकेंड के वार पे, आप लोगों ने देखा, वो पूरा चिपका के मंगलसूत्र उसके ऊपर डाला हुआ है। तो अब एल्विश बोल रही है कि मैं तेरा मंगलसूत्र वापस कर दूंगा, बात कर ले बात कर ले, तो फिर बोलती है हाँ ठीक है। तब वो वहां पर फिर भी मजाक करके जाते हैं। अब मनीषा रानी के गले में तो नहीं है, पर मनीषा रानी के फ्रेम के गले में डेफिनेटली मंगलसूत्र है। भाई ये बंदी मंगलसूत्र भी लेके आई थी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।